गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। और आज मैं आपके साथ दो ऐसे वर्ड्स को लेकर के मैं डिस्कशन करूंगा जिन वर्ड्स को लेकर के अक्सर आपके मन में कंफ्यूजन रहता है। वो दोनों वर्ड्स आप जानते हैं और अच्छी तरीके से आप जानते हैं, बस उनको लेकर के चूंकि कंफ्यूजन होता है इसलिए आज मैंने ये दो वर्ड्स लिए। ये दो वर्ड्स हैं आपके बिगिन और स्टॉप। जैसे ही आपने ये दो शब्द आपने देखे होंगे वैसे आपके मन में आया होगा हाँ हाँ ये दो वर्ड्स हैं जो अक्सर कंफ्यूजन। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, विश्वास करें आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानें जो पहली चीज बिगिन और स्टार्ट को लेकर के है वो क्या हो सकती है। वो ये हो सकती है कि दोनों ही वर्ड्स का प्रयोग हम सेम अर्थ में सेम मीनिंग के साथ कर सकते हैं। यानी विद द सेम मीनिंग, यानी कोई फर्क नहीं आएगा, हम जहां भी चाहें इनका प्रयोग एक अर्थ में कर सकते। ठीक है, जैसे हमें कहना हो आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज 18। और इसी वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज 18। जो मीनिंग इसकी निकलेगी वही मीनिंग इसके भी निकलेगी। आई बिगैन टीचिंग व्हेन आई वाज 18। यानी पहली चीज जो हम जाने वो क्या है कि बिगैन और स्टार्ट मीन्स बिगिन और स्टार्ट का प्रयोग दोनों समान रूप में आप कर सकते। तो अगर दोनों का प्रयोग हम समान अर्थ में कर सकते हैं तो फिर दोनों में फर्क क्या है, ये कैसे पता चले। तो हम जाने कि दोनों का हम समान अर्थ में प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पे आपको बिगिन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर हमको बिगिन के प्रयोग से बचना चाहिए और स्टार्ट के प्रयोग को प्रेफरेंस देनी चाहिए। वो कंडीशंस कौन सी हैं ये देखें। पहली कंडीशन है जहां पे आपको बिगिन की अपेक्षा स्टार्ट को ज्यादा महत्व देना चाहिए, वो है जर्नी के लिए स्टार्ट का। यानी अगर आप किसी जर्नी किसी यात्रा का प्रयोग करते हैं, मतलब यात्रा के लिए अगर स्टार्ट और बिगिन का प्रयोग आपको करना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, स्टार्ट का प्रयोग। ऐसा नहीं कि बिगिन गलत हो जाए, लेकिन आपको प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए, स्टार्ट को देना चाहिए। यानी अगर आप ले आई स्टार्टेड माय जर्नी I decided to leave this place. अब अगर यहां पे आप started के स्थान पे begin लें, began का प्रयोग करें तो वो बेहतर नहीं है। ये बस ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम एक journey यानी किसी यात्रा के लिए हम बिगिन या स्टार्ट का प्रयोग करना चाहें तो हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए,
हमारी प्रेफरेंस स्टार्ट होनी चाहिए ना कि बिगिन होनी चाहिए। और दूसरी हमारी चीज क्या है बच्चों, दूसरी है किसी मशीन के लिए, अगर किसी मशीन के लिए प्रयोग करना हो तो हम किसका प्रयोग करें, स्टार्ट का प्रयोग, किसका प्रयोग करें, स्टार्ट का प्रयोग। अगर कोई मशीन जो है अगर वो स्टार्ट हो रही, शुरू हो रही है, हम वहां बिगिन का प्रयोग ना करें, हम किसका प्रयोग करें, स्टार्ट का प्रयोग। जैसे द मशीन इज नॉट स्टार्ट, ये आपका प्रेफर्ड हो, यानी यहां अगर आप लें द मशीन इज नॉट बिगिनिंग, दिस विल सर्टेनली बी रॉन्ग, ये इनकरेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। मशीन कभी बिगिन नहीं होती, मशीन क्या होती है, स्टार्ट होती है, याद हो जाएगा, मशीन क्या होती है, स्टार्ट होती है, बिगिन नहीं होती है। और अगर किसी चीज को आपको स्टार्ट करना, तीसरा पॉइंट हम क्या ले लें बच्चों, मेक समथिंग स्टार्ट, अगर आप किसी चीज को खुद स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज को, किसी मशीन वगैरह को खुद स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आप बिगिन का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको किसका प्रयोग करना होगा, स्टार्ट का प्रयोग करना, किसका प्रयोग करना होगा बच्चों, स्टार्ट का प्रयोग करना होगा। जैसे आई मेड वॉशिंग मशीन, आई मेड द वॉशिंग मशीन स्टार्ट। ये तीन ऐसी जगह है बच्चों, तीन ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी जगह है, पहला जब आप जर्नी के लिए प्रयोग कर रहे हो, वहां पे आप बिगिन की अपेक्षा स्टार्ट को प्रेफरेंस दे वहां, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी मशीन के स्टार्ट होने की बात कर रहे हो, वहां बिगिन का प्रयोग करें ही ना, इसका प्रयोग करें, स्टार्ट का प्रयोग करें। अगर आप किसी चीज को स्टार्ट करने का प्रयोग कर रहे हो, जैसे आप कोई पार्टी स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई कोचिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो, डोंट यूज बिगिन देयर, वहां पे बिगिन का प्रयोग ना करें, वहां पे आप किस चीज का प्रयोग करें, इस चीज का बच्चों, स्टार्ट का प्रयोग करें। और यहां पे भी ना, यानी तीन पॉइंट हमारे ऐसे हैं जहां पे हम बिगिन की अपेक्षा स्टार्ट का प्रयोग करते हैं, जबकि नॉर्मल सेंस में, जनरल सेंस में हम स्टार्ट और बिगिन दोनों का समान रूप से प्रयोग कर सकते, यानी हमको अगर एक जनरल सेंस में बात करनी है तो हम कह सकते हैं आई स्टार्टेड टीचिंग, आई स्टार्टेड रीडिंग, आई बिगैन टीचिंग, आई बिगैन रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन तीन जगह पे बस याद रखना हो, अगर हम किसी जर्नी की बात करें वहां हम स्टार्ट का प्रयोग करें, याद कर लें, जब हम किसी मशीन के स्टार्ट होने की बात करें तो वहां भी हम स्टार्ट का प्रयोग करें, और अगर हम किसी चीज को स्टार्ट करने की बात करें, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई क्लास हो सकती है, वहां पे हम बिगिन का प्रयोग न करके स्टार्ट का प्रयोग, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट लेके भी आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के बाद मुझे बिलीफ है, विश्वास है कि आपको बिगिन और स्टार्ट के बीच जो डिफरेंस है वो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इन पॉइंट्स पे इनमें डिफरेंस होता है और यहाँ पे नहीं होता है, ये भी दैट जनरल सेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जहां पे भी जर्नी, जहां पे भी किसी मशीन वगैरह की स्टार्ट होने या करने की बात हो, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने की बात हो, वहां पे हम स्टार्ट का प्रयोग करेंगे न कि, ठीक है। आशा ही नहीं, विश्वास है, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट्स, आपने जरूर ही नहीं समझा होगा। नेक्स्ट किसी और ऐसे डिफरेंस के साथ मैं आपसे मिलूंगा जो आपके इंग्लिश के लिहाज से इंपॉर्टेंट, तब तक के लिए गुड बाय, हमेशा खुश रहें, थैंक यू बच्चों।